सीखा इस फिल्म से, बहुत कुछ नॉलेज दिया. आप कुछ बताइए कि आपका क्या किरदार होगा इस फिल्म में. हमने सुना कि आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं. जी जी. वेल आई थिंक चार साहबजादे एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है. ऑनेस्टली इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो आई थिंक बहुत ही इट्स वेरी रेयरली बीन स्पोकन ऑफ. देर आर वेरी फ्यू बुक्स, वेरी फ्यू इंस्टेंसेज वेयर पीपल एक्चुअली नो अबाउट दिस स्टोरी एंड व्हाटएवर पीपल नो वेरी लिटिल अबाउट इट. तो इनफैक्ट जब ये डैड ने मेरे साथ डिस्कस किया था कि मैं यार ऐसी फिल्म सोच रहा हूँ बनाने के लिए, तो उस वक्त तो मैंने यही कहा था कि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होंगे. बिकॉज एक तो इट्स यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री विच इज़ 300 ईयर्स ओल्ड. There is very little that's known about it. तो एक तो काफ़ी रिसर्च होगी, यू नो एक हिस्ट्री है, सो यू हैव टू मेक श्योर इसका जो डिपिक्शन है वो एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए. प्लस ऑब्वियसली बिकॉज दे आर द फोर सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, तो देन देर इज़ अ रिलीजियस एस्पेक्ट टू द फिल्म बिकॉज दे गुरु साहब सन्स. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट दोज सेंटिमेंट्स एंड दोज थिंग्स आर टेकन यू नो एंड देन यू हैव टू गो एड एंड मेक अ गुड फिल्म. तो इट वॉज अ मल्टी लेयर्ड थिंग एंड आई थिंक इट्स बीन हैंडल्ड प्रीटी वेल. You know, it's been, which is the reason why I took so much time. First is to get all the permissions and everything in place and then have the creative freedom to actually build on a good story. But, I mean, whatever we've seen of the film and we've seen the whole film, it's a very entertaining film. It's very emotional. It's very, you know, it kind of sets your morals and principles right, but in a story format, not in a preachy way at all. It's fun. You know, the kids are very cute. They're actually very funny, the two younger boys, it's a very strong story here. आप फिल्म की क्रिएटिविटी से जुड़े रहे, तो क्या कुछ ऐसा क्रिएटिव सेंस आपने दिया फिल्म में, कुछ ऐसा हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जो क्रिएटिव सेंस आपने दिया कुछ? एग्जैक्ट क्या दिया? एग्जैक्ट मतलब जो भी आपने अपना कुछ एनिमेशन में या कहां कुछ ऐसा अलग तो करने की कोशिश. बेसिकली ये जो हम लोग मजाक किया में इसको बोलते थे, ये चार साहबजादे की ट्रेन है, तो इस पर जितने ये ट्रेन के डिब्बे जितने जुड़ते थे उतने कम पड़ते हैं बिकॉज इसमें काम बहुत था. So honestly, when he started, it looked like a basic animation film. But you know, let me admit that I've been in this film industry for so long. अपने डैड के साथ काम किया, I think from 2013-14 years. It's such a difficult film to make a proper 3D animation film. Yeah, the amount of work required, it's almost tenfold. It's never ending. So it was one of those situations where I said, okay, you know, Dad, I think I'll just hop on and just take over one aspect of the film and like come join the train. Because then when I got on board and I realized that there's not just me, there is 50 people working on 50 different aspects of the film. Obviously everything goes to him and he approves it and he checks it and then he'll sit on late at night and work it. But yeah, I mean there have been times where we've been sitting through the nights, both father and son. We've picked up books, historical books, fact book, set design books, what kind of armor they should wear, and work on the script or dialogues. Because क्या है, 300 साल पुरानी फिल्म है, तो उस वक्त जो डायलॉग्स बोले जाते थे, जो जबान होती है वो अलग होती है. बट टुडेज पीपल कांट अंडरस्टैंड दैट, बट यू हैव टू मेंटेन दैट ऑल्सो, एंड लोगों को समझ भी आनी चाहिए. तो यू नो देयर सो मेनी चैलेंजेस दैट कम अराउंड. सो द आइडिया वाज टू बी अ प्रोसेस, यू नो, टू बी अ पार्ट इन एवरी प्रोसेस, यू नो, ब्रिंग अबाउट एन एस्पेक्ट ऑफ सिनेमा विच आई नो ऑफ. एंड या तो आई थिंक इट्स अ कोलैबोरेटिव इफेक्ट. या कोई ऐसा खास एक्सपीरियंस फिल्म को बनाते समय? आई थिंक मेरा सबसे एक्साइटिंग एक्सपीरियंस जब मैंने पहली बार 3D जो अजीत सिंह फर्स्ट टाइम सॉ हिज 3D रेंडर. तो द 3D रेंडर इज अ शॉट विच बेसिकली जैसे हमारी शक्ल होती है ऐसे ऐसे जाता है. एंड ऑल आर लाइफ वी ओनली सीन 2D शॉट्स इन एनिमेशन, सो दिस इज द फर्स्ट 3D रेंडर एंड इट लुक सो रियल, यू नो दैट आई ऑलमोस्ट आस्क माय डैड, ऐसे चीटिंग कर रहे हो क्या, बिकॉज जेन्युइनली दिखा रहे हो. इसने नहीं, ये जेन्युइन एनिमेशन है. तो ऐसे दिस इज अनबिलीवेबल. सो इट वॉज दैट फर्स्ट मोमेंट विच हिट यू के यार जो अच्छा, दैट वॉज अबाउट आई थिंक कुछ 1.5 साल पहले. तो वो लगता है कि यार 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, देन फाइनली व्हेन यू सी इवन जस्ट वन शॉट विच इज करेक्ट, यू रियलाइज दैट ओके यू आर ऑन द राइट ट्रैक. एंड ऑफ कोर्स इट्स लॉन्ग वे टू गो एट दैट टाइम, बट या आई थिंक दैट वॉज वन ऑफ द हाई पॉइंट्स ऑफ दिस फिल्म. हरमन, टारगेट ऑडियंस आपके हिसाब से कौन है? जब हमने हैरी सर से बात की तो उन्होंने कहा कि मोस्टली द फिल्म इज फॉर द यंगस्टर्स, कि उन्हें सब पता चले कि क्या हिस्ट्री थी. करेक्ट. तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू थिंक? No, I feel, I mean, it's a family film, yeah, to be honest. It's a to you certificate, obviously. it's a sweet family film. It's something that I think all kids will obviously enjoy. It goes without saying, yeah, you know, obviously for them, the first thing is that it's animated, of course. But over and above, it's a fun story to watch. It's a good story to watch. There's lots of fun moments, you know, there's lots of incidents, you know, the war and everything. So I think, you know, for any family to watch it, it's just a great experience to watch a 3D film with like 3D animation, you know, and a good story. I think it's like a good
good 2 hours spent in the theaters here. As an actor, जाना चाहूँगा हर में फिल्म में कितना प्रेशर होता है कि जब फिल्म में कोई भी एक्टर ना हो और एक एनिमेटेड फिल्म हो और खुद एक एक्टर इस फिल्म की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर हो कितना प्रेशर होता है एज एन एक्टर. बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है, मैं समझा नहीं, वापस बताओ. एज एन एक्टर फिल्म में जब भी कोई एक्टर ना हो एनिमेटेड फिल्म कितना प्रेशर होता है फिल्म के ऊपर एनिमेटेड फिल्म के ऊपर. नहीं, ऑब्वियसली प्रेशर होता है यार, बिकॉज इट इफेक्ट्स इन द प्रमोशन एंड स्टफ लाइक दैट, यू नो. बट देन अगेन आई फील दैट इज ऑल्सो द यूएसपी ऑफ द फिल्म विच यू आर अवेयर ऑफ, कि जब आप एक एनिमेशन फिल्म बना रहे होते हो आपको पहले ही पता होता है कि इसमें कोई एक्टर तो है नहीं. आई मीन यू नो इट वुड बी ग्रेट एंड आई एम श्योर दिस विल हैपन द वे वी आर गोइंग इन टेक्नोलॉजी. 3 years लेटर वुड मेक एन एनिमेशन फिल्म एंड द एनिमेशन कैरेक्टर वुड बी सिटिंग हियर डूइंग एन इंटरव्यू विद यू गाइस. आई एम श्योर दैट डे विल ऑल्सो कम, बट इट डजंट एग्जिस्ट राइट नाउ. So, but I think, you know, that's a challenge of doing the kind of film. I mean, honestly, this film is not something that, it's not a project, it's not a setup, it's not something that one has looked at and said, ki yaar, ye main aise aise karunga, main phir ye hoga, phir main itne paise kamaunga, aur ye itni badi. You know, this film has just purely come from the heart. This film is something that is just gone, driven by passion, ki yaar, this is something we want to make. And, you know, and I think for him, you know, hats off to my mother and my sister's been a part of this film. So all four of us basically just put ourselves together and said, you know, this is the vision that he has, and then we should be all there for him and support him in the vision. And let's not think about commercials, let's not think about all of that. Let's just go ahead and make a film and tell a story and then leave the rest to God, literally so. Okay, done. Unke characters ke baare mein? Yeah, they are... Well, ek to Baba Ajit Singh hai. You know, Sahibzada Ajit Singh, then there's Sahibzada Fateh Singh, there's Jodhar Singh. And so basically you have the two elder sons who fight the war. They basically go and fight the war with the, you know, and the other two kids are one who are fighting the, practically the king, you know, in that. So it's a very interesting blend of the story. You know, so they were fighting war at the age of 14 and 18. So they couldn't even lift a sword. The boy who was 14 couldn't lift a sword, but the sword is very heavy. मतलब अगर जो पुरानी कभी स्पोर्ट किसी ने उठाई हुई तो बहुत भारी होती है, तो उनके लिए एक्चुअली एक छोटी स्पोर्ट बनाई गई थी. सो ही कुड स्टिल गो एंड फाइट द वॉर एनी फॉट. सो देर आर लॉट्स ऑफ दीज मोमेंट्स इन यू नो इट्स वेरी एक्साइटिंग स्टोरी है. सर, चार चार साल लोगों तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि स्टोरी के जरिए या फिर खाली एक स्टोरी. यार, आई थिंक आई पर्सनली फील इफ एनी फिल्म इज मेड ऑन हिस्ट्री, यू नो, एंड इफ एनीवन इज मेकिंग अ हिस्टोरिकल और इज मेकिंग, यू नो, देयर इज अ डिफॉल्ट मैसेज, यू नो, दैट्स व्हाई हिस्ट्री इज रिमेंबर्ड. मगर अगर अगर इतिहास में ऐसा कुछ मॉरल नहीं है या कुछ मैसेज नहीं है या कुछ सीख नहीं है तो हिस्ट्री का पार्टी नहीं होती, वो निकल जाती है, बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. आई मीन इफ द किंग्स वेंट टू पार्टी वन नाइट एंड गॉट ड्रंक, आई डोंट थिंक इट वुड बी पार्ट ऑफ द हिस्ट्री बुक्स, बिकॉज मेक्स इट हैज़ नो बेयरिंग टू अस. सो देर इज़ अ लॉट टू कम आउट ऑफ दिस, अ लॉट. देर इज़ अ मैसिव अमाउंट ऑफ, बट एज आई सेड, इट्स पार्ट ऑफ स्टोरी यार, इट्स नॉट इन योर फेस, यू नो, इट्स नॉट कि देखो ये सीखना चाहिए, ये करेक्ट है. आई थिंक द वे इट्स बीन ब्लेंडेड इज पार्ट ऑफ स्टोरी, यू विल जस्ट टेक इट इन एज यू वॉच इट. या, ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू.